गजब विस्फोटक प्यार है बे फौजी का। तो भाई ये वीडियो आ रहा है एक महीने के बाद। हाँ लिटरली भाई इस महीने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। लोग 19 नवंबर वाली डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। हाँ अब 19 नवंबर को याद करके ये गाना गाना नहीं पड़ रहा है। खड़ा हूँ आज भी वहीं। रोहित और कोहली के इस डांस ने उस डिप्रेशन को उसकी औकात दिखा दी भाई। और भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि भाई बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ भी रिलीज हो चुकी हैं। कल की 2898 AD, जिसके बारे में भी हमने आज तक बात नहीं किया है, उसके आगे के थ्योरी के बारे में भी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन एक और ऐसी मूवी आई है जिसको देखना बनता है भाई, इंडिया की जॉन विक यानी कि किल मूवी। जब भी हम किल मूवी को याद करते हैं, अगर हमने देखा है तो हमारे दिमाग में क्या घूमेगा? सिर्फ हथौड़ा मारना, 40 डकैतों से भरा एक ट्रेन, दो बहादुर कमांडो, उनके साथ खून से लथपथ ट्रेन के डिब्बे, चाकू से वार, शरीर के कुचले हुए हिस्से, यही सब याद आता है भाई। मतलब समझ लो इसमें वॉयलेंस किस लेवल का है। एनिमल मूवी आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें जितना वॉयलेंस है ना भाई, इसके एक सीन में उतना वॉयलेंस कवर हो जाता है। हाँ निखिल भट्ट के डायरेक्ट ये मूवी, जहाँ आधी ऑडियंस तो जो वॉयलेंस हो रहा था उसको देखकर आंखें ही बंद कर देती थी भाई। है जो मूवी में वॉयलेंस देखना पसंद करते हैं वो तालियां बजा बजा कर मूवी को और भी ज्यादा अप्रिसिएट कर। जब मूवी का हीरो एक विलन को मारता है, कैसे मारता है? उसकी खोपड़ी को बिल्कुल कुचल देता है भाई, वो भी आंख बुझाने वाली मशीन से। ऐसा ही एक्शन इसकी पूरी मूवी में दिखाई देता है। तो भाई इस मूवी को एक बार देखना तो बनता है। जो वॉयलेंस को मूवी में देखना पसंद करते हैं वो इस मूवी को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें।